नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भोजपुरी मूवी के बारे में जिसका ट्रेलर दोस्तों रिलीज हुआ है। इस भोजपुरी पिक्चर का नाम है दोस्तों प्रीत का दामन। और दोस्तों ये नया भोजपुरी पिक्चर है जो कि दोस्तों बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। क्या क्या देखने मिलेगा इस ट्रेलर में दोस्तों, कैसा है ये ट्रेलर, बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस वीडियो को पूरा देखने से पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और भोजपुरी नाव जो हमारे चैनल का नाम है दोस्तों उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अब बिना किसी देर के चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरे ट्रेलर का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए दोस्तों बी फॉर यू भोजपुरी पर और इस ट्रेलर को देखिए। दोस्तों हमने तो ट्रेलर देख लिया है दोस्तों, और अब हम आपके सामने इस ट्रेलर में जो दिखाई गई फिल्म की कहानी है उसको हम रखने वाले हैं जो हमें समझ में आई है इस ट्रेलर को देखने के बाद। दोस्तों आपको बता दें कि इस भोजपुरी ट्रेलर में दो लोगों की कहानी दिखाई गई है। दोस्तों इन दो लोगों का नाम है अंजलि और राहुल। दोस्तों अंजलि का जो किरदार निभाया है वो निभाया है दोस्तों संजना राज ने, जबकि दोस्तों राहुल का जो किरदार है वो निभाया है दोस्तों अंशुमन सिंह ने। दोस्तों होता ये है कि ये जो दोनों होते हैं ये एक स्टेज परफॉर्मर होते हैं दोस्तों। स्टेज पे चढ़कर ये लोग परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं दोस्तों, और लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। और दोस्तों इनकी जोड़ी काफ़ी लोगों को पसंद आती है, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा में दोस्तों अमरपाली और निरहुआ की जोड़ी कैसे सुपर हिट है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफ़ी हिट होती है दोस्तों। कोई भी गाना अगर ये गा देते हैं तो वो काफ़ी हिट होता है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए दोस्तों राहुल और जो अंजलि होते हैं उनके बहुत सारे गाने एक साथ रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों दोनों की बॉन्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर गाना रिकॉर्ड हो रहा है तो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और बातचीत होती है, नंबर वंबर शेयर होते हैं दोस्तों, फिर चैटिंग शुरू होती है और धीरे धीरे कर दोस्तों इन दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। और दोस्तों राहुल जो होता है वो अंजलि को प्रपोज भी कर देता है, वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। अंजलि के मन में भी राहुल के लिए फीलिंग्स थी दोस्तों, तो अंजलि भी राहुल को हाँ कर देती है। और दोस्तों फिर शुरू होता है इन दोनों के बीच में रोमांस, जैसे दोस्तों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में रोमांस शुरू होता है दोस्तों, किस तरह से वो दोनों मतलब शुरुआती स्टेज में किसी भी रिलेशनशिप में कैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिलते हैं दोस्तों, वैसे ही दोनों मिलते जुलते थे, आपस में गिफ्ट शेयर करते थे दोस्तों और काफ़ी बातें करते थे एक दूसरे से रात भर। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो राहुल होता है वो बहुत ही बड़े खानदान का होता है दोस्तों, जबकि जो अंजलि होती है दोस्तों वो एक मध्यम परिवार की होती है दोस्तों। और इस ट्रेलर में दोस्तों ऐसा दिखाया गया है कि ये जो मध्यम परिवार है दोस्तों इसके पिताजी जो होते हैं, जो अंजलि के जो पिताजी होते हैं दोस्तों, उन्हें पसंद नहीं है अंजलि का बाहर जाकर गाना गाना स्टेज पर लाखों लोगों के सामने दोस्तों। और दोस्तों ये तो उन्हें पसंद होता ही नहीं है, साथ ही दोस्तों और भी उनका घी में आग डालने के लिए दोस्तों जो गांव वाले होते हैं वो भी अंजलि के बारे में गलत गलत अफवाह दोस्तों फैलाने लगते हैं। अंजलि के चरित्र पर दोस्तों वो उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो फेमस होती है और बस इतना उसका कसूर होता है दोस्तों कि वो स्टेज पर जाके अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को मदहोश कर देती है। इसी वजह से दोस्तों लोग उससे शायद जलते हैं, और दोस्तों उसकी कामयाबी को देख कर गाँव के बहुत ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो उसके पीठ पीछे कई सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं उसे जलील करने के लिए। और दोस्तों जब गांव वालों को ये मालूम चलता है कि राहुल और अंजलि के बीच में प्यार चल रहा है दोस्तों, इन दोनों का रिलेशनशिप है, और जैसे कि दोस्तों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमते रहते हैं, तो जब गांव वालों को ये पता चलता है कि ये एक साथ घूम रहे हैं दोस्तों, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि ये जितने भी गाँव वाले होते हैं दोस्तों वो अंजलि के घर के पास जाकर दोस्तों उसके पिताजी को भड़काने लगते हैं उसके खिलाफ दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों राहुल आ जाता है अंजलि को बचाने के लिए, और दोस्तों वो वादा करता है कि वो दोस्तों 10 दिन के अंदर अंजलि से शादी कर लेगा। अब दोस्तों राहुल ने तो अंजलि के पिताजी से ये वादा कर लिया होता है, पर दोस्तों उसके घर में खुद उसका कहीं और रिश्ता तय हुआ होता है। तो दोस्तों उसके परिवार वाले उससे काफ़ी खफा हो जाते हैं कि जो राहुल होता है उसने बिना बताए अपना जो रिश्ता है अपनी शादी का निर्णय खुद ही ले लिया। तो इससे दोस्तों काफ़ी उसके परिवार वाले खफा होते हैं दोस्तों, और अंत में दोस्तों शादी तो अंजलि से हो जाती है, पर दोस्तों होता ये है कि जो भाभी होती है राहुल की उससे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर होता नहीं है दोस्तों, और वो बहुत सारे तिगड़म लगाती है दोस्तों अंजलि को डाउन करने के लिए, अंजलि को प्रताड़ित करने के लिए, ताकि वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाए। दोस्तों सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि दोस्तों उसके ससुराल वाले भी उन्हें कहते हैं दोस्तों कि
तुम अब कंसर्ट नहीं करोगी। जी हाँ दोस्तों, अंजलि को पूरी तरह से मनाई कर दी जाती है, उसे इजाजत नहीं जाती है कि वो जाकर स्टेज प्रोग्राम करे दोस्तों। और इसे देखते हुए दोस्तों जो स्टेज ऑर्गेनाइजर होता है दोस्तों, वो राहुल को भी स्टेज शो करने से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की जोड़ी जब स्टेज पर परफॉर्म करती थी दोस्तों, तभी वो जोड़ी दोस्तों लोगों को पसंद आती थी, जो भी गाना इन लोग गाते थे वो हिट होता था दोस्तों। पर इस इन दोनों के बीच में दोस्तों, राहुल और अंजलि के बीच में दोस्तों, अंजलि की जो आवाज़ थी दोस्तों, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी राहुल के आवाज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजर होते हैं स्टेज शो वाले, वो बोलते हैं कि अगर अंजलि नहीं आएगी तो राहुल आप भी गाना नहीं गा सकते। और दोस्तों जो ऑर्गेनाइज़र होता है, वो इस ट्रेलर में दिखाया गया है दोस्तों कि वो अंजलि से भी कांटेक्ट करता है कि सिर्फ आप ही आ जाएं गाना गाने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि अंजलि की जो आवाज़ थी वो ज़्यादा फेमस थी राहुल की आवाज़ से। तो दोस्तों ऑर्गेनाइज़र की बात मानकर अंजलि बेड़ियां तोड़कर जाती है सिंगिंग कॉन्सर्ट करने दोस्तों, और काफ़ी उनका गाना फेमस होता है। पर दोस्तों ये देखकर राहुल को एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि जलन होती है अंजलि से बहुत ज़्यादा, और दोस्तों वो उससे थप्पड़ भी मारता है दोस्तों, उस पर हाथ उठाता है दोस्तों, और उसके जितने भी ससुराल वाले होते हैं दोस्तों, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। और भी दोस्तों इस ट्रेलर में बहुत सारा ड्रामा दिखाया गया है दोस्तों, और यही देखना होगा इस पिक्चर में कि अंजलि और राहुल का जो रिश्ते हैं वो किस मोड पर आते हैं, क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे या फिर ये दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे दोस्तों, राहुल को समझ आ जाएगी, और जो भाभी है अंजलि की वो क्या समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी दोस्तों। और भी बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जो इस भोजपुरी ट्रेलर में दोस्तों हमें देखने मिलते हैं। खैर दोस्तों, ये भोजपुरी पिक्चर का ट्रेलर जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा है, आपको देखना चाहिए। ये भोजपुरी पिक्चर दोस्तों आपको बी फॉर यू के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो चुकी है, जहां पर आप जाकर इसे देख सकते हैं दोस्तों। इसकी कहानी की बात करें दोस्तों, तो इसकी कहानी जो है वो आशिकी फिल्म आपने अगर देखी होगी, जो हिंदी फिल्म थी आशिकी, उसकी कहानी से थोड़ी मोड़ी मिलती है, जिसमें थोड़ा भोजपुरिया टच दिया गया है दोस्तों। आपसे हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है दोस्तों, और सिनेमा घरों में अगर पूरी सावधानी के साथ दोस्तों अगर कोई पिक्चर चलाई जाती है, तो दोस्तों अपनी लिस्ट में इस मूवी को ज़रूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है और पूरी तरह से एक पारिवारिक मूवी है दोस्तों। आप इसे अपने फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद। बरा दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। नमस्कार।